नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद का बजट सत्र आज से शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण आज संसद पटल पर रखा जाएगा। केंद्रीय बजट कल पेश होगा। नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से भरे जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगी। खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का पांचवा संस्करण रंगारंग समारोह के साथ मध्य प्रदेश में शुरू। और महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को त्रिकोणीय श्रृंखला में 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। संसद का बजट सत्र आज से शुरू होगा। केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के शुरू होगी। सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखा जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 कल पेश होगा। बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 66 दिन में 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्रवाई नहीं होगी और इस दौरान विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की समीक्षा करेंगी और अपने मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। संसद के बजट सत्र से पहले कल संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल तथा अन्य ने भाग लिया। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इस बजट सत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होगा, उसके बाद बजट का प्रेजेंटेशन होगा, भाषण के ऊपर थैंक्स गिविंग मोशन पर चर्चा होगा, बजट पर चर्चा होगा। इसके लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था। इस मीटिंग में 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगी। कार्यक्रम का विषय सशक्त नारी सशक्त भारत है, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की कहानियों को याद करना और उनका उत्सव मनाना है जिन्होंने देश में उत्कृष्ट कार्य किया है और एक छाप छोड़ी है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और महिला तथा बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्र भाई इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET यानी महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों के लिए पहल पर पहले औपचारिक वार्ता में भाग लेने के लिए वाशिंगटन पहुंच गए हैं। श्री डोभाल आज व्हाइट हाउस में अपने अमरीकी समकक्ष जैक सुलिवन के साथ ICET पर चर्चा करेंगे। श्री डोभाल के साथ एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल भी गया है। IIT मद्रास में आज G20 शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक शुरू होगी। बैठक का शुभारंभ शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका पर संगोष्ठी से होगा। इसकी अध्यक्षता उच्चतर शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति करेंगे। IIT मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामकोटी इस दौरान डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में अपनी बात रखेंगे। बैठक के दौरान अगले 3 दिन तक डिजिटल शिक्षा संबंधी पहलों और इसके संबंध में डिजिटल प्रौद्योगिकी से लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। IIT मद्रास को G20 के शिक्षा कार्य समूह की बैठक के लिए सजाया गया है। इसके मद्देनजर शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में 3 फरवरी तक ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। दिन भर चलने वाले इस सेमिनार में आज 3 सत्र होंगे। पहले सत्र में K-12 शिक्षार्थियों के लिए सुलभ और समान शिक्षा प्रदान करना, दूसरे सत्र में उच्च गुणवत्ता वाले सीखने के अवसरों को सक्षम करना और तीसरे सत्र में कौशल शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी पर चर्चा होगी। दिन भर चलने वाले इस
कार्यक्रम में 19 देशों के 69 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन कल G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन करेंगे। प्रतिनिधियों के समूह को महाबलीपुरम के स्मारकों की यात्रा पर भी ले जाया जाएगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। भारत की अध्यक्षता में G20 के दीर्घकालिक वित्तीय कार्य समूह की बैठक की मेजबानी असम करेगा। ये बैठक गुरुवार से गुवाहाटी में शुरू होगी। बैठक का विषय है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य और इसका ध्येय वाक्य है वसुधैव कुटुम्बकम। बेंगलुरु में कल 20 से अधिक विद्यालयों के छात्रों के लिए G20 के समान एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बेंगलुरु दक्षिण से संसद सदस्य तेजस्वी सूर्या ने भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने और युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया। भारत की अध्यक्षता में G20 के ऊर्जा संक्रमण संबंधी कार्य समूह की पहली बैठक बेंगलुरु में 5 से 7 फरवरी तक होगी। G20 के सदस्य और अतिथि देशों के प्रतिनिधि कार्य समूह का हिस्सा होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी पर बजट 2023 आपके साथ साथ बाजार के कई क्षेत्रों उद्योगों और देश के लिए क्या है महत्वपूर्ण और क्या होगी सुर्खियाँ। केंद्रीय बजट पर होगा विस्तार से विश्लेषण दिन भर। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर लोगों की प्रतिक्रिया और होंगे विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी लाएंगे आप तक 1 फरवरी बुधवार को सुबह 10:10 से रात 10 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और अन्य मीटरों पर। ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवार 7 फरवरी तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 8 फरवरी को इनकी जांच की जाएगी और 10 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 27 फरवरी को होगा और मतगणना 2 मार्च को होगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी प्रसारकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने सैटेलाइट टीवी चैनल और उनके प्रसारकों के साथ कल विचार विमर्श किया। प्रसारकों को हर दिन कुल 30 मिनट के लिए लोक सेवा प्रसारण करना होगा। अलग अलग समयावधि के प्रसारण में राष्ट्रीय महत्व के विषय, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास, महिला कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय शामिल होने चाहिए। प्रसारण सेवा पोर्टल पर प्रसारक को एक मासिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होगी। पिछले साल नवंबर में मंत्रालय ने भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का 5वां संस्करण कल रंगारंग समारोह के साथ मध्य प्रदेश में शुरू हो गया। ये खेल 11 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय खेल और युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में इस महाकुंभ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। खेलो इंडिया के आयोजन में आज से पहले जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की थी, अब अगले 5 वर्षों की भी अनुमति इसके लिए मिल गई है और 3200 करोड़ रूपये का खेलो इंडिया योजना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए चाहे निकेत दरीन हमारे सामने हो, अविनाश साबले हो हमारे सामने हो या अन्य खिलाड़ी यहां पर आए हो, किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले
शायद ही दुनिया का कोई ऐसा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो कि अपने खिलाड़ियों से बात करता हो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं बार बार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम भी किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में 18 खेलों के लिए 11 शिक्षण केंद्र खोले गए हैं। श्री चौहान ने घोषणा की कि राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5,00,000 रूपये दिए जाएंगे। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और अरुणाचल प्रदेश के खेल मंत्री मामा नतुंग भी समारोह में उपस्थित थे। एक रिपोर्ट। जोर लगा दो, जोश दिखा दो, जान लगा दो, जोश दिखा दो, जान लगा दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। कला, संस्कृति, संगीत और युवा जोश पर केंद्रित खेलो इंडिया युवा खेल महोत्सव के शुभारंभ समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत से लेकर वसुधैव कुटुम्बकम तक की झलक देखने को मिली। इन खेलों के शुभंकर मुगली और चीता आशा की उपस्थिति में थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो ने कार्यक्रम देखने के लिए आए दिग्गज खिलाड़ियों से लेकर आम लोगों में उत्साह का संचार कर दिया। रंग बिरंगी आतिशबाजी और लेजर शो के बीच जाने माने गायक शान, नीति मोहन, अभिलिप्सा पांडा, ड्रम वादक शिवामणि और अन्य कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को बांधे रखा। अब आज से 900 पदकों के लिए खिलाड़ियों में असल दमखम और कौशल का मुकाबला होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी लंदन में बफेलो पार्क में हुई त्रिकोणीय श्रृंखला के अंतिम ग्रुप मैच में वेस्टइंडीज पर 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। उत्तराखंड में ऊंचे स्थानों पर लगातार बर्फबारी और निचली जगहों पर बारिश हो रही है। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केदारनाथ धाम में 3 फुट से अधिक बर्फ जमा हो गई है। राज्य में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आर के राणा ने बताया कि 28 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। आज कोहरे की वजह से 28 रेलगाड़ियां लेट चल रही हैं। मेरा रेल यात्री से अनुरोध है कि वो 139 पर संपर्क करें। घर से प्रस्थान करने से पूर्व नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर भी संपर्क कर सकते हैं। रेलवे ट्रैक क्रॉस न करें, हमेशा फुटओवर ब्रिज का प्रयोग करें, सड़क रहें, सुरक्षित रहें। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं चंद्रिका जोशी। धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का समाचार देते हुए जनसत्ता लिखता है, सरकार ने विपक्ष से सहयोग मांगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, चीन की घुसपैठ पर संसद में नहीं होगी चर्चा, बाकी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार सरकार। राजस्थान पत्रिका की पहली सुर्खी है, आम बजट में दिखेगी $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की तस्वीर। गोरखनाथ मंदिर पर हुए हमले के दोषी मुर्तजा को फांसी की सजा, लोक सत्य, अमर उजाला, हरी भूमि और हिंदुस्तान सहित लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून ने सफीदों की अनाज मंडी में 22,000 क्विंटल गेहूं मानव उपभोग के नाकाबिल घोषित होने पर लिखा है, 4.5 लाख लोगों के पेट पर लापरवाही की लात। नवभारत टाइम्स ने पेशावर की मस्जिद में फिदायीन हमले में 61 लोगों की मौत की खबर पहले और आखिरी पन्ने पर सचित्र दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, तहरीक तालिबान को पाकिस्तान नहीं पाला था, अब नतीजे भुगत रहा है। दैनिक भास्कर ने बताया है, एआई से दिल का ऑपरेशन, ब्रिटेन यूएस में पारंपरिक हार्ट सर्जन बेरोजगार हो रहे हैं लेकिन इलाज में कुशलता बढ़ी। पत्र ने साथ ही बताया है, दवा और लाइफस्टाइल में बदलाव, स्टंट या बाईपास सर्जरी जितनी प्रभावी। कश्मीर में भीषण सर्दी के दौर चिले कला की विदाई पर भारी हिमपात की खबर देते हुए दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घाटी में सड़क से आकाश तक थमी रफ्तार, हिमाचल में 484 सड़कें बंद, उत्तराखंड के पहाड़ भी हुए सफेद। राष्ट्रीय सहारा ने पहले पन्ने पर लिखा है, संसद की कैंटीन में मिलेगी बाजरे की खिचड़ी, ज्वार का उपमा, कंगनी के लड्डू और रागी मटर का शोरबा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र आज से शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण आज संसद पटल पर रखा जाएगा। केंद्रीय बजट कल पेश होगा। नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से भरे जाएंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित करेंगी और खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का पांचवा संस्करण रंगारंग समारोह के साथ मध्य प्रदेश में शुरू। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।